नीलधारा शमशान घाट पर मनमाना किराया वसूलने का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। भिल के सेवानिवृत्त एजीएम की कोरोना से मौत हो गई थी। उनके साथ अस्पताल में उनकी पत्नी थी, उनका बेटा अमेरिका से हरिद्वार के लिए चल दिया था जिसे शनिवार सुबह हरिद्वार पहुंचना था। दो दिन शव को रखने की दिक्कत थी जिसके लिए फ्रीजर वाली एम्बुलेंस से बात की गई जिसने महिला की मजबूरी को भांप लिया और शव को रखने तथा नीलधारा शमशान घाट तक छोड़ने का किराया 80,000 बताया। मजबूर महिला ने हाँ कर दी। शनिवार दोपहर बेटे के पहुंचने पर शव को लेकर शमशान घाट ले जाया गया। इलाके के निरीक्षण कर रहे एसडीएम ने परेशान परिजनों से एम्बुलेंस का किराया पूछ लिया तो भारी मन से उन्होंने किराया 80,000 बताया, जिसे सुनने के बाद एसडीएम ने तत्काल ईआरटी को मौके पर बुलाया और एम्बुलेंस को सीज करने के साथ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि इस समय में 80,000 किराए को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे समय में लोगों से इस तरह पैसे वसूलने पर अब प्रशासन की नजर है और ऐसा कार्य करने वाले प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चंडी घाट जो शमशान घाट है वहाँ का मामला है और घाट के निरीक्षण पे भी गए थे तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस वाला आया और जो वहाँ पे एक बॉडी लाई थी तो उससे वो 80,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। जब मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की तो उसका कहना ये कि परसों रात को जो एम्बुलेंस है एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी डाली थी, लगभग 35 या 36 घंटे वो उस बॉडी को एम्बुलेंस में रखा था क्योंकि उसमें फ्रीजर वाली जो एम्बुलेंस है वो थी, तो उसकी डिमांड के लिए उस 35 घंटे की डिमांड के लिए उसने 80,000 की डिमांड वहाँ पे की, जो 35 घंटा जो उसने अपने एम्बुलेंस में रखा तो 80,000 रुपये की डिमांड की। तो इस संबंध में हमने संबंधित जो एआरटीओ है उनको भी बुलाया वहाँ पे और एम्बुलेंस को सीज करवा दिया है और संबंधित को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। देखिए ये जो उन्होंने मुझे बताया ये जो जीडी अस्पताल है वहाँ से लेके शमशान घाट तक ही गई थी और जीडी अस्पताल के बाहर ये बता रहे हैं कि परसों शाम से उन्होंने डेड बॉडी को उस फ्रीजर में रखा हुआ था और वहाँ से केवल वहाँ तक आए थे क्योंकि ये अपने बेटे का वेट कर रहे थे, जो उनकी मदर थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर से आना था उनका वेट कर रहे थे तो इसलिए वो परसों से रखी हुई थी। हाँ बिल्कुल कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी थी और कोविड से ही डेथ हुई थी। देखिए ये बहुत गंभीर मामला है और मैं सभी से अपील भी करूँगा और कि इस तरह के माहौल में क्योंकि अभी महामारी चल रही है और लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे समय में चाहे वो एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे दुकानों का मामला हो, किसी भी तरह का अगर इस तरह का जो मामले होते हैं वो बहुत संगीन होते हैं, ऐसे टाइम पे ना तो ओवर रेटिंग करनी चाहिए मानवता के तौर पे, इंसानियत के तौर पे, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह की लूट खसोट करनी। मानवता को शर्मसार करने वाले इस मामले में एसडीएम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस को सील किया गया और साथ ही उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि इस मामले में तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। एसडीएम द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह कोई भी मनमाना किराया वसूलता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से इंतजार रजा, न्यूज़ फॉर इंडिया।